एवरीवन एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड माय ब्लॉग। आज का आउटफिट जो कि अगेन मैं लिया था बिहार से एंड आई एम लविंग इट, इट्स सो गुड। और रूम में हमने थोड़ा साफ सुथरा ही रखा है, इतना गंदा नहीं किया है। एंड द बेस्ट पार्ट, मुझे ये मिरर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। सी मेरे को बहुत अच्छा लगा मिरर कॉन्सेप्ट। चलो फिर मैं फटाफट निकल के, क्योंकि साहिल ऑलरेडी जा चुका है नीचे और मैं जा रही हूँ नीचे, बिकॉज मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत शूट करती हूँ। और जी म्यूजिक है ये ऐसे ही बजता रहता है। ये लॉबी है, यहाँ लास्ट टाइम भी हम रुके थे और पिछली बार तो मम्मी भी थी हमारे साथ में। मम्मी, मैं, साहिल भैया, भाभी, सब कुछ है हमारे साथ में। और मैं आपको दिखाती हूँ पेंटिंग जो मेरे पास है ऑलरेडी। मैंने इस पेंटिंग की फोटोग्राफ की थी पिछली बार, बिकॉज मुझे बहुत प्यारी लगी थी दिस डांसिंग गर्ल, कितनी वाइब्रेंट पेंटिंग है। और मैंने सोचा था कि टाइम मिलता ही आई पेंट, बट टाइम नहीं मिला। बट ये देखो, मैंने लास्ट टाइम इस पेंटिंग की पिक्चर क्लिक करी थी और हम इधर ही रुके थे, यहाँ पे कभी कभी बैठती थी। एंड दिस इज आवर रूम, हमने ये और ये, हाँ ये दोनों रूम्स लिए थे। और इस बार हमारा रूम उधर है, दिस वन। तो चलो मैं जा रहा हूँ नीचे साहिल के पास और आपको देती हूँ अपडेट। पता नहीं क्यों नहीं आ रही। और एक और बात बताऊँ, मुझे लिफ्ट में थोड़ा सा फोबिया है अकेले जाने में, तो मैंने सोचा मैं स्टेयर्स ले लूँ, क्या दिक्कत है। तो हम ठहरे थर्ड फ्लोर पे और इसके सेकंड फ्लोर पे बैंक्वेट। ये है इनका मेहमान नवाजी बैंक्वेट, यहाँ से एंट्रेंस है। एंड सामने का व्यू बहुत प्यारा है, लेकिन सीन, और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पानी की टंकी है। आई विल शो यू इन द नाइट, इसकी पूरी लाइट जलती है, बहुत प्यारा लुक आता है। जंप डाउन करते हैं तो यहाँ आता है इनका रिसेप्शन। ये है होटल आर के ग्रैंड, सिग्रा थाने रोड पे है। और मेरे को ना यहाँ से सब कुछ बहुत आसपास मिल गया, आई मीन पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, कुछ भी घूमने की जगह, मॉल, सब कुछ बहुत नया बाय है यहाँ से। चार्ज फॉर अ डे 2500 टैक्स मिलाकर। रथ यात्रा रोड लोकल शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। वाराणसी ने पूरा इनके रंग में रंगा है। Just look at the paintings, so beautiful. And lights, जो भी मुझे जानते हैं उन सबको पता होगा कि I just love lights. जा तो रहे थे संकट मोचन, बट थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, शायद कोई झांकी है और यहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर दी गई है, तो आई गेस कोई झांकी है। हाँ जी, ये कोई झांकी है, ये भगवान जी मेरे को दिख रहे हैं, बट आई हैव नो आइडिया। और ये नंदी जी आराम से बैठ कर सब देख रहे हैं। ये भैया क्या कर रहे हैं, अब इतना रश है इनके आसपास और उसमें ये फायर से खेलना, इट्स समथिंग लाइक वेरी डेंजरस एंड रिस्की। मैं तो दूर से ही वीडियो बना रही हूँ, पास से बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ साथ और काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं, गेस बहुत लोग। और अभी आसमान में मेरी नज़र पड़ी ड्रोन पे, वहाँ से वीडियो बन रही है। Let's go.
अच्छा ऐसा है क्या? देखो तो जरा मेरा काम का। ये था छाकी जो कि था बहुत ज़्यादा सुंदर अमेजिंग और लकी कि हमें ये मिल गया। और अभी संकट मोच जाने का प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन किया बिकॉज काफ़ी टाइम लेट हो चुकी है ऑलरेडी और 8 बजे तक का टाइम होता है वहाँ का। फिर अभी जा रहे हैं अन्नपूर्णा माँ के मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर के ही अंदर से आप माता के मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं बहुत ईजिली। बार बार लाइन में मत लगना, एक बार जाना और माँ के भी दर्शन करना और बाबा के भी दर्शन करना द बेस्ट पार्ट। So we are done with the darshan. ये आज का रश मतलब चलने की जगह नहीं है, भीड़ देखो भीड़ कुछ ऐसा ही हाल है और आगे भी। और यहाँ भीड़ देखो आप, I am not going to here। और ये वही झांकी वाले हॉर्स हैं, घी रथ है और लाइट्स वापस ऑन हो गई। So pretty। Finally we reached to meet अनिल भैया एंड फैमिली। जस्ट से थैंक यू हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया। हमारे उनसे मिलने डिनर करने उनकी फैमिली उनके साथ जिन्होंने हमारा इतना हेल्प किया विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन पूजा हर चीज़ में। तो हमने सोचा एज अ जेस्चर ऑफ थैंकफुलनेस वी विल इनवाइट देम ऑन डिनर। बट ऑल फोर ऑफ देम लिटिल शाय तो इसलिए मैंने उनको कैमरे में कैप्चर नहीं किया बिकॉज बिना उनके कंसर्न के आई कैन नॉट शूट देम। तो बस आज के लिए इतना ही और आप सब के लिए मैं माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस।